आप खा लो या फिर कम लेना सीखो। तो कुछ लोग लड़ने लग जाते हैं, बोले आप हमें कह रहे हैं खा लो, अरे जितना पेट में समाएगा उतनी ना खाएंगे। तो भैया लेना कम था और दोबारा दोबारा ले लेंगे लेकिन खाएंगे नहीं। मतलब ये जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, आपकी है, हमारी है। घर पे खाओ, बाहर खाओ, होटल में खाओ, पैसा देकर खाओ। पैसा देकर भी तुम होटल में खाओ तो उतना ही मंगाओ जितना खा सको। अब पैसा देके भी आपने होटल में छोड़ दिया कि अरे हमने तो पैसा चुकाया है। सुनो, पैसा अलग चीज है, अन्न अलग चीज है। अन्न वो है जो पैसे से बढ़कर है, वो तो व्यवस्था के लिए पैसा देकर अन्न मिलता है, वरना अन्न अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत। फिर अब पता नहीं, आप अपने बच्चों को थोड़ा अन्न की कीमत समझाओ, धन की कीमत समझाओ, और चीजों का, वस्तुओं का सदुपयोग करना सिखाओ, जिम्मेदार बनाओ। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, और जब सब बैकुंठ से आए वृंदावन, ब्रजवासियों ने कहा हम वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं मानते, वृंदावन से अच्छा बैकुंठ भी नहीं है। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की। धन्य है ये वृंदावन जहाँ की महिमा बैकुंठ में गाई जाती है, ये धन्य है वृंदावन, है ना। इसलिए आप लोग वृंदावन आए हैं, ये आपका परम सौभाग्य है। देवता तरसते हैं वृंदावन आने के लिए। वृंदावन की सरकार कौन है? कौन? हाँ, इलेक्शन हो गया, वोट देखो पड़ गया रे, ओ बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। तो वृंदावन में किसकी सरकार है?